You're listening to ChiniMandi.com podcast. OMCs ने वित्त वर्ष 23 में फरवरी तक 6 करोड़ लीटर बायोडीजल की खरीद। चीनी और इथेनॉल उत्पादक टेरियोस द्वारा नौकरियों में कटौती, फ्रांस सरकार ने की निंदा। ओडिशा बायो एग्रो एनर्जी की नई इथेनॉल इकाई 2024 में शुरू होगी। राष्ट्रीय किसान यूनियन की गन्ने का मूल्य बढ़ाने की मांग। संबलपुर के इथेनॉल इकाई का 40% काम हो गया पूरा। पाकिस्तान का गेहूं उत्पादन लक्ष्य 1.7 मिलियन टन घटने की संभावना। कृषि विज्ञान केंद्र के अलंगड़ में गुड़ इकाई स्थापित करने की योजना। ये सारे न्यूज पढ़ने के लिए विजिट करें chinimandi.com और यूट्यूब पे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबाइए।